लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में जारी वॉलीबॉल इवेंट की स्कूल कैटेगरी के फाइनल में गुजरांवाला ने फैसलाबाद को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। वॉलीबॉल कॉलेज कैटेगरी में मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कनेड कॉलेज में जारी बास्केटबॉल मुकाबलों के कॉलेज इवेंट में गुजरांवाला ने फैसलाबाद को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि कराटे मुकाबलों की 48 किलोग्राम से कम वेट की कैटेगरी में लाहौर की आफिया आजम, 50 किलोग्राम से कम वेट की कैटेगरी में लाहौर ही की मैमूना कदीर ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। गर्ल्स बैडमिंटन मुकाबलों की स्कूल और कॉलेज कैटेगरीज में लाहौर ने पहली पोजीशन हासिल की। ताहम यूनिवर्सिटी मुकाबलों में फैसलाबाद ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाली लाहौर की टीम को 2-0 से हराकर अपसेट कर दिया। खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पेश की जाने वाली बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला मुस्तकबिल में भी बरकरार रखा जाएगा। फेस्टिवल आए हर साल, इस तरह लड़कियों को मौका मिले खेलने का और खेलें और आगे से आगे ये बढ़े, और मेरी दुआ है कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक जाऊं। खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की है, और जो अपने स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको यह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी उनकी हौसला अफजाई हुई है। बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है। प्लेयर्स को बैडमिंटन के लिए तो प्लेयर्स को बहुत कम मौके मिलते हैं ना, टूर्नामेंट्स बहुत कम आते हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है ये वाला खेल की, क्योंकि बहुत अच्छे बाद एक टूर्नामेंट खेलने को मिला। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तमाम इवेंट्स अपने अख्तितामी मरहले की जानिब गामजन है। गर्ल्स बास्केटबॉल और वॉलीबॉल इवेंट्स की कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैटेगरीज के सेमीफाइनल मैचेस जुमेरात को होंगे, जिसमें सख्त मुकाबलों की तवक्को है। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों ने इस अजम का इजहार किया है कि वो न सिर्फ नेशनल सतह पर फतवाहत हासिल करेंगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ समेटेंगी। कैमरामैन वाजिद अली के हमरा इजाज़ वसीम बाकरी, सिटी 42।